अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं रफ्तार 24 न्यूज HD मंडी भावदीन। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। गुजरात से रफ्तार 24 न्यूज HD के ब्यूरो चीफ आरिफ हुसैन मक्फी की रिपोर्ट के मुताबिक 28 मुहर्रम अल हराम रिहाइश गाह मरहूम जाकिर मोहम्मद अशरफ गोहर मोहल्ला मुस्लिम आबाद गुजरात सालाना मजलिस सजा जेरे इंतजाम राना शाहजेब रजा राना हैदर अली राना नाजिम हुसैन और बरादरान मुनाकिद हुई। मजलिस के अख्ताम पर शबियाजुल जनाह बरामद हुआ, जिसमें पंजाब भर से मारूफ मातमी संगतों ने शिरकत फरमा कर हजरत इमाम हुसैन अल इस्लाम के हजूर नजराना अकीदत पेश किया। गलियों बाजारों में बारिश का बहुत ज्यादा पानी खड़ा होने के बावजूद अजादार पुरसा पड़ते रहे। शहर गुजरात का मरकजी मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया सर्कुलर रोड की जानेब रवाना दवा रहा। मातमी जुलूस के रास्तों पर गुजरात इंतजामिया के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रेस्क्यू 112 की टीम भी मौजूद रही। मातमी मरकजी जुलूस के बानी राना साकिब नाज जख्मी होने के बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर जुलूस की क्यादत करते रहे। उन्होंने कहा कि मजलिस आजा और मातमी मरकजी जुलूस हमारे दादा से पहले का शुरू है और हम इंशाल्लाह हमेशा इसमें बेहतरी की कोशिश करेंगे। साकिब अली नाज ने तमाम मातमी संगतों अजादारों गुजरात की इंतजामिया रेस्क्यू की टीम और तमाम एजेंसीज का शुक्रिया अदा किया, जिनकी बदौलत इतने खराब मौसम में भी अजादारी मजलूम करबला आसन तरीके से पाए तकमील तक पहुँच सके।